दिखाती हुई नजर आ रही है और बहुत ही अच्छा जो परिधान है उन्होंने पहन रखा है। छोटे से लेकर बड़ी महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर डांडिया खेल कर गरबा कर कर अपना उत्साह जो है वो दिखा रही है। और जिस तरह से जेजा ने आपको दिखाया है कि आज ढोलीड़ा का कार्यक्रम होना है और इसको लेकर कुछ जजेस भी हैं जो इनकी परफॉर्मेंस को जज कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और थोड़ी ही देर में जो ये गरबा और डांडिया ये लोग खेल रहे हैं उनका जो फाइनल रिजल्ट है वो आपके सामने आएगा। लेकिन उससे पहले आपकी बात कराते हैं यहाँ के जजेस से, कुछ लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कितना उत्साह है ढोलीड़ा का। और मैं आपको बता दूँ कि अभी ये जो परफॉर्मेंस है उसके बाद जजेस जो है वो अपना आखिरी रिजल्ट देंगे। लेकिन आप तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो महिलाएँ हैं वो नाच गाकर और डांडिया खेल कर अपना जो उत्साह है वो दिखा रही हैं। जजमेंट चार भागों में हमने विभाजित किया है। पहला हमने किया है बेस्ट अटायर, पूरे हॉल में जिसने सबसे अच्छे कपड़े मतलब कि गुजराती, क्योंकि डांडिया गुजरात का है तो प्रॉपर एथनिक गुजराती कॉस्ट्यूम जिसने पहना है वो उसको हम चुनेंगे। दूसरी है डांडिया क्वीन, जिसने डांडिया सबसे अच्छा किया है क्योंकि केवल लकड़ी बजा देना ही डांडिया नहीं होते, उसके एक प्रॉपर स्टेप्स होते हैं, वो जो करेगी वो सेकेंड मैंने सेकेंड ये प्राइज है। एक और प्राइज रखी है कि ढोलीड़ा क्वीन सबसे जो मेन होंगी, जिसने अटायर अच्छा पहना, जो डांस अच्छा कर रही है और प्रॉपर कॉस्ट्यूम प्रॉपर है और जो अपने लिए नाच रही है वो है ढोलीड़ा क्वीन। उसके अलावा एक रख रखा है डांडिया क्वीन, ढोलीड़ा क्वीन हो गया आपका, अटायर हो गया, तो इस तरह से सब रख रखा है। तो लेडी इतनी सर्च की आई है और मेरे को समझ में नहीं आ रही कि मैं किसे निकालूं और किसे नहीं, क्योंकि एक एक के दावेदार चार चार पांच पांच लेडी, तो जो बेस्ट होगा वो विनर। महिलाओं में कितना उत्साह देखने को मिला आपको? बहुत उत्साह है क्योंकि आप देखिए इस तरह के आयोजन होने चाहिए, क्योंकि एक शाम आप स्ट्रेस से दूर रहते हैं, है ना। हेल्थ के लिए डांडिया या डांस करना बहुत अच्छा होता है, आप भूल जाते हैं उस समय कि आप कौन हैं, आपका डायरेक्ट कनेक्शन, मैं कहती हूँ मैं तो डांसर हूँ, सुजाता निर्तला डांस स्कूल अंगेरा में चला रही हूँ, तो नाचते समय मेरी डायरेक्ट कनेक्टिविटी भगवान से हो जाती है, मैं भूल जाती हूँ कि मैं कौन हूँ। तो मैं यहाँ पर भी देख रही हूँ माँ है, बहने हैं, डॉक्टर आई हुई है, प्रोफेशनल है, बट सब भूल जा रही है कि वो कौन है, बस मस्त होके नाच रहे हैं। ऑर्गेनाइजर को क्या कहना चाहेंगी जिन्होंने इतना अच्छा इवेंट कराया है? अरे सुरभि और विभा की जितनी तारीफ की जाए कम है। इस तरह के आयोजन होता है तो लगता है शहर जिंदा है, हम सब जिंदा है, मजा आता है, खुशी में लोग झूम रहे हैं, नवरात्रि आई है, त्योहार महसूस होता है, क्योंकि उसके बाद तो जिंदगी में सबकी टेंशन है, लेकिन कुछ क्षण आके आप खुशी खुशी नाच रहे हैं तो आप भूल जा रहे हैं कि आप कौन हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इस इवेंट की जज मिसेस करुणा पाल मैम। मैम से कुछ जानते हैं और आपने नजारा देख लिया होगा किस तरह से महिलाएं जो है वो अपना उत्साह यहाँ पे है, जो डांडिया है वो खेल के दिखा रही है। मैम बहुत बहुत स्वागत है जेजेएन की। थैंक यू, थैंक यू सो मच। पहले तो मुझे ये बताइए महिलाओं को देखकर कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, देख रहे हैं कितने कलरफुल बनकर आए हैं सब, प्रॉपर मेकअप है, प्रॉपर ड्रेस है, हमें तो ये परेशानी हो रही किसको देखे किसको ना देखे, बहुत कंफ्यूजन होगा आज आपको। बिल्कुल, मतलब सब हेड टू टो बिल्कुल परफेक्ट होकर आई है। कौन कौन से राउंड होने वाला है यहाँ पे? देखिए ये एक तो हमारा गरबा राउंड है, एक डांडिया राउंड है, और गरबा हमारा जैसे आपको पता है हाथों से कैपिंग से खेला जाता है, और डांडिया हमारा सिक्स से होता है, वो राउंड है, और उसके बाद हमारा हम ऑल ओवर क्वीन भी चुनेंगे ढोलीडा, और बेस्ट ड्रेस भी है, इस तरह के हैं सब। आप क्या देखिए इस बार जज करने वाली है? हाँ जी, आप क्या देखिए इस बार जज करने वाली है हमारी विनर जी? ये देखिए जैसे एक हमारे सामने खड़ी है, ड्रेस से लेकर हेड टू टो जैसे मैंने बोला, और उनकी परफॉर्मेंस कैसी है उसी के ऊपर हम जज कर रहे हैं। इवेंट ऑर्गेनाइजर को क्या बोलना चाहते हैं जिन्होंने? इवेंट ऑर्गेनाइजर सुरभि और विभा दोनों ने ही बहुत हार्ड वर्क करा है, काफी टाइम से लगे हुए थे, ये इनका पहला इवेंट नहीं है, इससे पहले भी वो लोग कर चुके हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप ये देखिए ना कितना रश है, और उन्होंने यहाँ तक की अब एंट्री बैन कर दी थी क्योंकि एंट्री में उनके पास तो स्पेस ही नहीं था कि और एंट्री ले सके, तो दिस इज द बेस्ट पार्ट। तो चलिए एक बार फिर आपकी मुलाकात करते हैं इस इवेंट की जज मिसेस भूमिका जी से, और मैम से बात करते हैं।
के आसपास से ऊपर 200 क्रॉस किए हैं, वेरी कमेंडेबल क्रॉस है। मैम एक बेस्ट अटायर का भी अवार्ड यहाँ पे रखा गया है, तो आपका क्या होगा कि महिला ने किस तरह का अटायर पहनना होगा जिसका आप देखते हैं जज करेंगे? तो वैसा ही जा रहा है जैसे हमने सोचा था, और हमें लग भी रहा है कि लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, सारी जो वुमेन है यहाँ पे बहुत अच्छे से इन्जॉय कर रही हैं और पूरा मज़ा उठा रही हैं डांडिया का। बाकी तो लास्ट में देखते हैं विनर्स कौन निकलते हैं। राउंड कौन कौन से होने वाले हैं? मैम दो राउंड थे, इसमें एक राउंड तो कम्प्लीट हो चुका है हमारा, गरबा राउंड, जो गरबा राउंड ऑथेंटिक गरबा होता है जो तालियों से खेला जाता है, और दूसरा राउंड डांडिया जो हम डांडियों से स्टिक्स का इस्तेमाल करके करते हैं, तो वो राउंड अभी चल रहा है। और विनर्स के अनाउंसमेंट तो लास्ट में ही होते हैं, डिनर के साथ साथ विनर्स के अनाउंसमेंट होंगे। और आज सब लोग इतने खूबसूरत ड्रेसेस, ऑथेंटिक ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहन के आए हैं, सो वी कांट रियली डिसाइड, या जजेस को भी बहुत दिक्कत होने वाली है। जजेस कह भी रहे थे कि उनको बहुत दिक्कत होने वाली है, मैम से बात करेंगे। मैम कैसा लग रहा है इवेंट को देख के? इवेंट को देख के लग रहा है कि हर जगह बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा है, और हमें खुशी है कि हम इनकी खुशी का कारण बन रहे हैं, और सारी महिलाओं को इकट्ठा करके हमने जो डांडिया प्रोग्राम किया है उससे एक उत्साह है लोगों में, और यही हमारी सबसे बड़ी खुशी है। थीम क्या रखी गई थी? थीम हमारी गुजरात की है, गरबा थीम, और वो माता रानी के लिए डेडिकेटेड होता है। नमस्कार मैम, आपका नाम? अभी हमने आपको देखा कि लकी ड्रॉ में आपको सेकंड प्राइज यहाँ पे मिला है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, क्योंकि मेरा कभी निकलता नहीं है, आज निकला तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बहुत अच्छा। इस तरह से जो ऑर्गेनाइज कराया गया है यहाँ पे, इनको क्या कहना चाहते हैं?